फिर सत्संगत जब हम मिशन में आगे चलते हैं, गुरु की वचनों पर आगे चलते हैं, तो फिर प्यारी सत्संगत हमारी खाली झोली, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे हमें जरूरत हो वो बच्चों की, चाहे वो बच्चों की शादियों की, पढ़ाई की, मकानों की, जायदाद की, स्वास्थ्य की, किसी भी प्रकार की हमें जरूरत हो, तो प्यारी सत्संगत फिर मांगा भी इसी से जाता है। फिर प्यारी सत्संगत वो मांग भी इसी से की जाती है, क्योंकि प्यारी सत्संगत दुनिया का वृत्त है कि जो मांगे ठाकर अपने से सोई सो देवे। इसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, और प्यारी सत्संगत की हमारी नित प्रति चोलियां बढ़ते भी रहते हैं। जिस चीज की हम डिमांड करते हैं वो तो पूरी होती होती है, जिसकी डिमांड नहीं भी की जाती वो भी प्यारी सत्संगत पूरी होती चली जाती है। कितने ऐसे उदाहरण हमने सुने, कितने ऐसे उदाहरण हमने पढ़े कि जिन जिन भी गुरसिखों ने गुरु की बात को अपनाया, माना, वो प्यारी सत्संगत वो इस प्रकार से प्रफुल्लित होते चले गए। ऐसे ही प्यारी सत्संगत वो बात चैन में आ गई कि पंजाब से महात्मा चले, पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, और जाकर निरंकारी कॉलोनी में कोठी में जाकर नमस्कार करने का ध्यान बनाया। जब वहां पर पहुंचे तो आगे से बाबा जी ने कहा कि आओ, कैसे आना हुआ, अपनी वो बात रखी गई। तो बाबा जी ने सहज में ही कह दिया कि ठीक है, डॉक्टर चावला जी से जाकर दवाई ले लो। अब प्यारी सत्संगत वो पंजाब में बहुत इलाज करा बैठे, और फिर प्यारी सत्संगत कहने लगे कि डॉक्टर चावला तो एक मामूली सी डिस्पेंसरी जो निरंकारी मंडल की है वो चलाते हैं, और मैंने तो इतने बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को दिखा लिया। तो हजूर समझ गए कि अभी और सिखलावट की जरूरत है, तो कहने लगे कि कोई बात नहीं, आप डॉक्टर चावला को लेकर गंगाराम हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का टीम है, वहाँ पर जाकर इलाज करा लें। अब वो चले गए, एक महीना डेढ़ महीना वहाँ पर रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। फिर वो ध्यान आया उस बहन के मन में कि बाबा जी ने तो आशीर्वाद दिया था कि डॉक्टर चावला से जाकर दवाई ले लो, और हमने ही अपनी अकल सेनब से वो बात मानी नहीं। तो वो कहने लगे कि डॉक्टर चावला को कहा गया कि आप हमें डिस्चार्ज कराइए यहाँ से, हमें हजूर सच्चे पातशाह के दर्शन करने हैं, छुट्टी करा ली हॉस्पिटल से। तो प्यारी सत्संगत डॉक्टर साहब कहने लगे कि अभी तो समय है नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, तो इतनी देर घर चलते हैं, वहाँ प्रेस कर लेना, इतनी देर में बाबा जी के दर्शन हो भी जाएंगे। बात मान ली, घर चले गए चाय पी, और वो बहन ने कहा कि डॉक्टर साहब आपको दवाई देने के लिए पहुँच कहा था, हमने बात मानी नहीं, तो कृपा करें आप दवाई दे दें। अब प्यारी सत्संगत डॉक्टर साहब ने बड़े सहायता में ही दवाई दे दी, एक हफ्ता आपने दवाई खानी है। फिर हजूर के चरणों में आए, नमस्कार की, अपनी गलती की क्षमा याचना की, और प्यारी सत्संगत वापिस चले गए। एक हफ्ते में ही वो काफ़ी ठीक भी हो गए। फिर दोबारा आए, फिर दवाई ली, और प्यारी सत्संगत गुरु से क्षमा भी मांगी कि सच्चे पातशाह गलती हो गई। तो वो किताब में लिखा हुआ कि वो कितने बरस तक वो दिक्कत आई नहीं दोबारा, क्योंकि प्यारी सत्संगत जो हम भूल कर बैठते हैं, गलती कर बैठते हैं, और बड़े सहजता में वचन को काट देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो जाता है। लेकिन प्यारी सत्संगत, संत का स्वभाव कितना सरल होता है कि वो इस बात का एहसास नहीं करते कि इन्होंने वचन को काटा,
और प्यारी साध संगत वो सहायता से आशीर्वाद भी मिल जाया करते हैं। कृपा करो, रहमत करो, बख्शिश करो, इस प्रकार के कभी जीवन में पल आए ना, कभी ऐसी परीक्षा की घड़ी आए ना, क्योंकि हम तो परीक्षा देने के काबिल भी नहीं, और गुरु के चरणों में नतमस्तक होते चले जाएं, गुरु के वचनों को अनुसार चलते चले जाएं, और जैसे जैसे वो वचन आते हैं जो कर तुम मांगते चले जाएं,